तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। मैं हूँ बख्तियार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इट्स वेनम राइडर। तो ये जो मेरे स्कूटी होंडा एक्टिवा 4G आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये गाड़ी देखने में कैसा है कैसे नहीं। और ये 4 साल 4 महीने का हो चुका है। इसको पहले आप लोग फ्रंट देखिए, फ्रंट से गाड़ी कैसे दिखता है, कुछ ऐसा मतलब आता है दिखने, मतलब बहुत प्यारा दिखता है, बहुत ही शानदार दिखता है फ्रंट लुक इसका। और ये बता दो कि ये यहाँ पर ये प्लास्टिक का दिया हुआ है, ये भी प्लास्टिक का है लेकिन ये मेटल है, ये साइड में सब मेटल है। ये फ्रंट लुक आप लोग इसका देख सकते हैं, साइड से लुक देख लीजिए कुछ, ये गाड़ी ऐसा दिखता है साइड से, साइड से कुछ ऐसा देख सकते हैं। और जिसका यहाँ पे जो इसका लेग स्पेस दिया हुआ है, ये मेरे को मतलब सब कितने में स्कूटी चलाया हुआ हूँ सबसे ज़्यादा लगता है इसका, यहाँ पर जो मतलब पैर रखने की जगह मतलब सबसे ज़्यादा लगता है हमको। और ये भी देख सकते हैं साइड से भी कुछ ऐसा इसका है। बाकी इंजन जो है 110 सीसी का इंजन है, पूरा ही स्मूथ इंजन है, होंडा का इंजन है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। पीछे से देख सकते हैं ये भी भाई, ये मेटल है ये भी, पीछे से देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक का दिखता है पीछे से भी गाड़ी। मैं इसमें कुछ हल्का फुल का मॉडिफिकेशन भी कराया हूँ, वो भी बना दूंगा आप लोगों को व्लॉग, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। और इस साइड से बात करें तो साइड से भी कुछ ये गाड़ी मतलब ऐसा दिखती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त इसका व्यू आता है इसे भी। बाकी जो टायर आता है वो सब तो 10 दिन का, मैं उसका बता दूंगा आप लोगों का, ओनरशिप रिव्यू बनाऊंगा तो कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। बाकी इधर भी मीटर मिलता है। बाकी आप लोग अगर इसका मीटर की बात करें तो सिंपल मीटर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कुछ डीजल वीजल नहीं आता है इसमें, एनालॉग है सब, देख सकते हैं। ये भी कुछ मतलब ये भी बहुत ज़बरदस्त दिखता है ये भी मीटर। बाकी तो ऐसा ये सीट उट दिखता है इसमें, एक बार और आप लोग देख लीजिए। और ये डिस नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल ब्रेक वाला है, ड्रम ब्रेक वाला है ये, कुछ ये इस प्रकार की गाड़ी दिखती है। आगे से मतलब बहुत शानदार दिखती है हमको ये, आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगता है। तो ठीक है, अगर ये व्लॉग आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं किसी और व्लॉग में। बाय बाय।